क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं, हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पी होगा, इसको क्यू मान लीजिए और यहाँ आर। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि P समकोण है, इसलिए यहाँ ना P होगा, तो P Q R, या यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ये भी कर सकते थे। तथा Q R पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है, Q R पर एक बिंदु M है, वो कैसे स्थित है, ताकि PM लंब हो जाए Q R पे, PM लंब हो जाए Q R पे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहां से हम लोग लंब गिरा देते हैं, चलिए यहां से एक लंब गिरा देते हैं ऐसे। ठीक है, और उस बिंदु का भी नाम यहाँ पे दे देते हैं, तो ये आपका नाम हो गया इसका M। तो देखिए PM लंब हो गया QR पे और M जो है QR पे स्थित है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फिर आगे कह रहा है, दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM और गुना में MR, ये आपको दिखाना है। चलिए इसको साबित किया जाएगा। तो आपको पता है कि आपको इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा, तभी ना, क्योंकि ये देखिए इसी के भुजाएं है ना, इन दोनों छोटे त्रिभुजों की ना भुजाएं है, तो इन दोनों को समरूप दिखाना होगा, तभी आप साबित कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है, और क्या दिया हुआ है कि एंगल P बराबर है 90 डिग्री, और दिया है कि PM जो है ना, PM ये लंब है QR पर। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर जो होगा ना QM और गुना में MR के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए। तो आपको याद होना चाहिए एक प्रमेय पढ़ाए थे, उसी को यहां लिखेंगे। कौन सा प्रमेय था कि किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के, त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए, डाला जाए, तो वह उसे दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। प्रमेय में ये भी था कि ये जो दो त्रिभुज बनेंगे ये पूरे त्रिभुज के भी समरूप होंगे, लेकिन उसका हमें जरूरत नहीं है, इसलिए प्रमेय से वो वाला हिस्सा हटा दिए हैं, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहां से हम लोग इस प्रमेय के आधार पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज होगा, तो आर एम पी ठीक है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMQ के इस प्रमेय के आधार पर। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इतना आपको पता है ना। चलिए इसके आधार पर हम यहां देखिए, हम लोग लेते हैं इस त्रिभुज में आर एम और ये पी, ये जो आर एम पी है इसमें देखिए, यहां पे अगर उसका हम लोग हिस्सा लेते हैं पी एम, ध्यान से देखिए, हम लोग लेते हैं इसमें से, क्योंकि यहां देखिए पीएम है ना, तो इस त्रिभुज में से हम ये PM ये वाला हिस्सा लेते हैं। तो जब ये PM लीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो उसके आधार पे उसका संगत है ना, यहाँ PM लिए तो उसके आधार पे इसका संगत यहाँ पे कौन सा होगा, QM हो जाएगा, देख रहे ना, उसी के संगत यहाँ पे कौन होगा, ये वाला होगा QM। ठीक है,
यहीं से आपको पकड़ लेना है। अच्छा दूसरा देखिए, क्यूएम हो गया, यहाँ देखिए क्या यूज किया है आपका, एम आर यूज किया है। तो इस त्रिभुज का हम लोग, इस त्रिभुज का ये एम आर लेते हैं, ठीक है, एम आर लेते हैं। ध्यान से देखिए, एम और आर ये लिए हैं, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज का कौन सा लेंगे, पीएम लेंगे या फिर एमपी लेंगे, एक ही बात है, यहाँ पीएम लिख देते हैं। समझ गए ना बात को, तो आपको संगत भुजाएं लेनी होंगी ना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा पीएम स्क्वायर बराबर में क्यू एम गुना में एम आर, ये आपका प्रमाणित हो गया यहां से। चलिए।